आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस और उनके साथ कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें और कैसे इंग्लिश टॉकिंग करें। गाइस, जैसे कि बोला होता है कि मुझे इस चीज की ज्यादा आदत है, लत भी बोल देते हैं कि मुझे इस चीज की लत है, आदत है, मुझे काम करने की आदत है, ये मेरी आदत में है, ऐसे भी बोल देते हैं कभी कभार। तो उस तरह के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, वही चीज मैं आज बताने वाला हूँ। बोलने के लिए आपको बोलना होगा, सबसे पहले एक वर्ड बोलना होता है इस सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस के लिए, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ। जब भी आपको बोला होगा कि मुझे इस चीज की आदत है या मुझे ये काम करने की आदत है, तब उस सेंस में आप बोलेंगे इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप यूज करेंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब और प्लस और आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि आपको वर्ब में यूज नहीं करना है तो आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि मुझे इस चीज की लत है, मुझे इस चीज की आदत है, या ये चीज मेरी आदत में है। आदत आप समझ रहे होंगे, हैबिट, जैसे कि मुझे चाय की आदत है, मुझे चाय की आदत है, मुझे चाय की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ किस चीज की, यहां पर चाय की, तो यहां पर आप की का यूज कर सकते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ, मुझे चाय की आदत है। अब आदत तो है चाय की, बट हमें बताना है कि किस तरह की आदत है चाय की, तो मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है। अब यहाँ पर यूज करेंगे वर्ब आई एम इन द हैबिट ऑफ चाय पीने की, तो वहां पर यूज करेंगे टेकिंग टी, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत है। जब भी आपको ये बोलना हो मुझे ये काम करने की आदत है, हम बोल सकते हैं, आपके बाद वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे और इसके बाद आप बोल देंगे। ओके गाइस, आप लेते हैं कुछ और सेंटेंस जो आपको बोलना हो कि इस चीज मेरी आदत में नहीं है, इट मीन्स मुझे इस चीज की आदत है ही नहीं है, नहीं है आदत, तब आप इसमें मना कर सकते हैं, और मना करने के लिए बहुत सिंपल है, तीसरे नंबर पर आप नॉट का यूज कर देंगे। जैसे कि मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, पहले बार सेंटेंस रिलेटेड ले लेते हैं, मुझे चाय की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, या आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ, बोल सकते हैं स्पोकन है, अब स्पोकन में डायरेक्टली आप जितना भी शॉर्ट करके बोलेंगे उतना अच्छा लगता है, और इंग्लिश फास्ट भी हो जाती है, वर्ड शॉर्ट करेंगे तो इंग्लिश फास्ट लगती है, बट हमें सब तरह के सेंटेंस सीखने होते हैं, शॉर्ट भी सीखने होते हैं और लॉन्ग भी सीखने होते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं एक और वर्ड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डेली यूज में बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस रोजाना बोलते हैं बट उनकी इंग्लिश मालूम नहीं होती है, क्या आपको जैसे स्मोकिंग की आदत है, यहाँ पर पूछ सकते हैं, आर यू इन द हैबिट ऑफ, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग स्मोकिंग समझ रहे हैं आप, जैसे सिगरेट वगैरह पीना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं और भी चीजें करेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, क्या आपको झूठ बोलने की आदत है, जो आप रोजाना झूठ बोलते रहते हैं, ये आपकी हैबिट में है क्या, जो रोजाना ही आप झूठ बोलते हैं किसी से, ये तुम जब देखो जब झूठ ही बोलते रहते हो, ये तुम्हारी आदत है क्या बोलने की, या फिर क्या तुम्हारी आदत में है, तो आर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। ओके गाइस, क्या आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। तो गाइस, लेते हैं एक और वर्ड।